हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके सामने आए हैं एक न्यूज जॉब डिटेल के साथ कि इंडियन नेवी ने निकाली है एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2018 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जानते हैं आप इसको कैसे कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन और इसकी क्या है फुल डिटेल, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडियन नेवी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, जिसमें जो आपके इन्वाइट की गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन एसएससी मीन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एजुकेटिव ब्रांच के लिए। तो यहां पर जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो वही होंगे जो अनमैरिड है, पर मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो देखिए एज की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एज जो है तो आपको डेट दे रखी है कि इन डेट के दौरान और ये दोनों डेटों को मिलाकर आपका जो जन्म होना चाहिए संबंधित ब्रांच में। ये टाइप ऑफ कमीशन एसएससी है और यहां पर जेंडर आपको दे रखा है कि कौन से ब्रांच में जेंडर कौन से अप्लाई कर सकता है। जैसे लॉजिस्टिक की बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल दोनों, आईटी के अंदर मेल और लॉ के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो उम्र है वो इसके दौरान या इन दोनों को डेट को मिलाकर होनी चाहिए। डेट ऑफ ओपनिंग 15 सितंबर 2018 रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो देखिए एसएससी लॉजिस्टिक के लिए जो है बीई बीटेक आपका किसी भी डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास पास आउट होना अनिवार्य है, या फिर बीएससी बीकॉम बीएससी आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर आपके पास जो है पीजी डिप्लोमा होना चाहिए फाइनेंस लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन मैनेजमेंट या मटेरियल मैनेजमेंट में, या फिर आपके पास एमसीए या एमएससी है फर्स्ट क्लास में, या फिर बीआरटीटेक है आपके फर्स्ट क्लास में, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एसएससी आईटी की बात करते हैं तो बीई या बीटेक आपके पास होना चाहिए, पर आपके पास ये कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर आपने एमएससी कंप्यूटर आईटी में कर रखी हो, बीएससी आईटी में कर रखी हो, या एमटेक कंप्यूटर साइंस में कर रखी हो, या फिर आपके पास जो कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है ग्रेजुएशन डिग्री है बीसीए एमसीए वो आपने कर रखी हो 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट जो वैकेंसी है लॉ की एसएससी लॉ की, उसमें आपका डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंतर्गत, तो आपकी 55% मार्क्स यहां पर मिनिमम होने चाहिए। तो ये जो डेट है वो आपको यहां पर दे रखी है फ्रेंड्स। उसके अलावा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है तो हाइट एंड वेट आपको यहां पर मेल कैटेगरी के लिए 157 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर दे रखा है, और अदर कैटेगरीज है रिजर्व कैटेगरीज है तो आप यहां पर अपनी डिटेल देख सकते हैं। उसके अलावा अपनी आई साइट टैटू की डिटेल जो है वो आप यहां पर देख पाएंगे। उसके अलावा जो नेवी का जो पे स्केल एंड प्रमोशन स्केल है वो बहुत हाई रहता है, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जो आपका लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके मार्कशीट के जो आपका नंबर है आपकी जो परसेंटेज है उसके बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए यहां बुलाया जाएगा। इंटरव्यू फ्रेंड्स इसमें हमेशा दो स्टेजेस में होता है, फर्स्ट स्टेज आपका पर डे होता है और सेकंड जो स्टेज है वो 4 दिन का चलता है, तो आपको वहीं पर ही रहना होता है। इसमें बाद आपका इंटरव्यू जब क्लियर हो जाएगा तो आपका जो है ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद आपका जो है इसमें परमानेंट जॉब आपकी यहां पर लग जाएगी। अब फ्रेंड्स आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है joinindianavy.gov.in से, जो कि 15 सितंबर 2018 को इसका लिंक ओपन होगा और 5 अक्टूबर 2018 को चलेगा। इसकी जो ऑनलाइन ई एप्लीकेशन है आप कैसे भर सकते हैं उसकी डिटेल आपको यहां दे रखी है। साथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको सीधे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी डिटेल वाइज सारी नोटिफिकेशन हर डिटेल को आराम से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी इंडियन नेवी से रिलेटेड कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।